नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरुजी चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एस्ट्रोलॉजी पर ऑथेंटिक सटीक जानकारियां, जिसमें आज का हमारा विषय है मल मास में विशेषकर क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य हैं जो मल मास में कदापि नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में उन कार्यों को वर्जित किया गया है। मल मास में भूल करके भी ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, इस पर मैं आज के इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। काफी लोगों की फोन कॉल्स है, काफी लोगों के मन में संशय है, उनके बहुत सारे प्रश्न हैं। वे जानना चाहते हैं, सर हम ये कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का मैं जवाब देना चाहूंगा। मल मास में क्या नहीं करना चाहिए और मल मास में क्या करना चाहिए, इस पर मैं आज आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल जो भी जानकारियां होगी, व्रत त्यौहार के संबंध में जानकारियां होगी, वो समय समय पर लेकर के आपके समक्ष मैं उपस्थित रहता हूं। तो देखिए प्रिय दर्शकों, अभी 16 दिसंबर से मल मास प्रारंभ हो जाएगा। 15 दिसंबर को रात्रि 9:30 बजे सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं मल मास का प्रारंभ हो जाता है। तो 16 तारीख से मल मास प्रारंभ होकर के 14 जनवरी तक रहेंगे। इस अवधि के अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको शास्त्रों में निषेध किया गया है, वर्जित किया गया है कि इन कार्यों को कदापि नहीं करना चाहिए। देखिए होता क्या है, जब सूर्यदेव धनु राशि में जाते हैं तो सूर्य की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य करें, कोई भी शुभ कार्य का शुभारंभ आप करते हैं, तो उस समय सूर्य की स्थिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बलवान होना आवश्यक होती है। तो सूर्यदेव जब धनु राशि में चले गए तो यहीं से मल मास का प्रारंभ हो गया। इसको खरमास के नाम से भी जाना जाता है। खरमास का अर्थ होता है खराब मास। इसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो जिन्हें कदापि नहीं करें, जैसे कि भूल करके भी भवन का निर्माण प्रारंभ इस अवधि के अंदर नहीं करना चाहिए। किसी भी नवीन कार्य का शुभारंभ इस अवधि के अंतर्गत कभी ना करें, 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के मध्य। नीम का मुहूर्त बिल्कुल वर्जित है। नीम, आप अपने घर की नीम नहीं लगा सकते हैं, गृह प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं, मुंडन संस्कार इस अवधि के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है, यज्ञोपवीत संस्कार इस अवधि के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए, और विवाह से संबंधित जो भी कार्य हैं, सगाई हो गया या कुछ भी ले लें, वैवाहिक जो भी कार्य होंगे वो इस अवधि के अंतर्गत विशेष रूप से निषेध हैं। तो कहने का तात्पर्य, कोई भी नवीन वस्तु कोशिश प्रयास करें कि ना खरीदे मल मास के अंतर्गत। और कुछ आचार्यों का मत है, यदि विशेष परिस्थिति बन जाए, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जो मैंने अभी ये कार्य सभी आपको बताए हैं, इस मास के अंतर्गत आपके लिए ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको शुरू करना ही है, तो उसके लिए कुछ विशेष दिन और समय निश्चित है। जैसे रवि पुष्य योग हो गया, अमृत सिद्धि योग हो गया, रवि योग हो गया, अमृत योग हो गया, सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, ऐसे योगों का चयन करके यदि आवश्यक परिस्थिति बन जाए तो उसी स्थिति में किया जा सकता है। लेकिन वैवाहिक कार्य जो भी होंगे वह पूर्ण रूप से वर्जित रहेंगे इस एक महीने के अंतर्गत, 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच। प्रिय दर्शकों, क्या करना चाहिए मल मास के अंतर्गत? यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं तो बहुत पुण्यदायी सिद्ध होगा, आपके जीवन में पुण्य का बल बढ़ेगा। और विशेष एक उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा, मल मास के अंतर्गत यदि आप तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जला करके नित्य सायंकाल के समय भी कर सकते हैं या प्रातःकाल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नित्य 11 परिक्रमा किया करें, यह बहुत ही पुण्यदायी आपके लिए सिद्ध होगा। इससे मां भगवती लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में बढ़ेगी और भगवान नारायण का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। ऐसा आप 16 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य नित्य कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कहते हैं कि अन्य मासों की अपेक्षा अनंत गुना फल होता है। कोई भी पुण्यकर्म सत्कर्म आप मल मास के अंतर्गत करते हैं,
इस मास के अंदर गौ माताओं की जितनी आप सेवा कर सकते हैं, दान पुण्य जितना भी अपनी यथाशक्ति आप कर सकते हैं आपको अवश्य करना चाहिए। तो मल मास में इन सब बातों का विशेष करके ध्यान अवश्य रखना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए, और कोई भी दुर्व्यसन यदि जीवन में है तो उस दुर्व्यसन का कम से कम एक मास के लिए त्याग करके आप रखें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में माँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आशीष आपको अवश्य प्राप्त होगा, और आपके जीवन में आपका पुण्य का बल ओज तेज जो है वो बढ़ेगा। इससे आपकी विघ्न बाधाएं जीवन की दूर होगी और आपकी जीवन की जो गतिविधियां हैं वो निरंतर सुचारू रूप से संचालित रहेगी। तो उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये पता लग गया होगा कि मल मास में क्या नहीं करना है और क्या करना है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं उनसे फिर एक बार अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इस प्रकार की ऑथेंटिक सटीक शास्त्र सम्मत जानकारियां लेकर के आपके समक्ष मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।